आज का टॉपिक होगा एडल्ट्री के बारे में, यानी कि कई बार होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही या उनमें से एक एडल्ट्री के बेस पर डाइवोर्स फाइल करता है, क्योंकि इस बेस पर जल्दी ही डाइवोर्स मिल जाता है। और अब ये बात आती है कि एडल्ट्री साबित कैसे करें, क्योंकि एडल्ट्री साबित करना कोई आसान काम नहीं है, जबकि इस बेस पर डाइवोर्स मिल सकता है, लेकिन इसको साबित कैसे करेंगे। कई बार होता ऐसे है कि आप पति को पत्नी के फ़ोन में या पत्नी को पति के फ़ोन में कुछ ऐसा मिल जाता है कि दूसरी के साथ अफेयर है, वहाँ पे जाता है, या फिर कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं दूसरी के साथ। वो फोटोग्राफ्स अगर पत्नी पति के फोन से चोरी कर लेती है या ले लेती है, या पति पत्नी के फोन से ले लेता है, उसके बाद वो कोर्ट में उन फोटोग्राफ्स को या वीडियो को पेश करता है, तो क्या वह मान्य होंगे या नहीं होंगे। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को पूरा देखना ना भूले, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन फीस जमा करके आप हमसे बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अब मान लीजिए पत्नी के पास एक ऐसा फोटो है जिसमें पति एक दूसरी औरत के साथ खड़ा है या बैठा है, तो उससे कहीं अडल्ट्री साबित नहीं होती है। अब मान लीजिए आपके पास फोटो आ गया है या वीडियो आ गया है कुछ ऐसा जिसमें वो उस औरत के साथ कुछ ऐसा कर रहा था जिससे कि अडल्ट्री साबित हो जाती है। अब पहला सवाल आपसे कोर्ट करेगी कि ये जो वीडियो या फोटोज हैं आपके पास कहाँ से आए, और अगर आपने कह दिया कि मैंने पति या पत्नी के फोन से इसको चोरी किया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21 के अंडर आप पे भी केस हो सकता है। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? एक्चुअली आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ देता है, यानी कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि बिना पूछे उसका वीडियो या फिर उसका फोन नहीं छेड़ सकते हैं। बात आती है कि अब अडल्ट्री साबित कैसे करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपके पास बहुत पुख्ता प्रूफ है, अब वो अडल्ट्री साबित कैसे करेंगे कि आपके पति का दूसरी औरत के साथ अफेयर है। एक तो ये है कि वो दोनों होटल में गए हों और होटल वाला आपको 65B के साथ उनका पूरा रिकॉर्ड दे देता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई थर्ड पर्सन उनका वीडियो बना लेता है और 65B के नोटिस के साथ आप उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर देते हैं, तो वह मान्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट में चुराई हुई वस्तु मान्य नहीं होगी अडल्ट्री के लिए, आप भी उसमें फंस सकते हैं आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात आती है कि जल्दी से जल्दी अब आपको डाइवोर्स चाहिए, तो आपको एक तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डाल दीजिए CDR की। CDR से आपके पति की पूरी कॉल डिटेल निकल कर आएगी, या फिर पत्नी की सारी कॉल डिटेल निकल कर आएगी जिसके भी साथ उसके संबंध हैं, वो बार बार फ़ोन कर रही है। अब किसी को बार बार किसी भी समय पे लगातार फ़ोन कर रहा है कोई पर्सन, ये तो आप साबित कर देंगे, और ये अगर आपने साबित कर दिया तो कहीं ना कहीं ये भी साबित हो जाता है कि आपके साथ मेंटली क्रुएल्टी हो रही है, क्योंकि रात भर आपका जो पति है या पत्नी है दूसरे व्यक्ति से बात करते जा रहे हैं, सारे दिन उससे बात कर रहे हैं, आपसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं फिर भी दूसरे की ही बातें कवर कर रहे हैं, यानी कि सारा दिन किसी और से कॉल रिकॉर्डेड आप कवर कर सकते हैं CDR एप्लीकेशन से, और जब ये कोर्ट में आप प्रूफ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल क्रूएल्टी साबित हो जाती है, तो बिहाफ ऑफ मेंटल क्रूएल्टी भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि एडल्ट्री साबित करना कहीं ना कहीं आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन हाँ मेंटल क्रूएल्टी ऑन द बेसिस ऑफ CDR आप कहीं ना कहीं साबित कर सकते हैं। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स चाहिए तो आप CDR के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, आपका योगदान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।